ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल ट्रोन्स एंड श्रब्स, माउंटेन एंड मैंग्रोव। मैंग्रोव सर, ये इन जो पांच राइट है इनके लिए बना है कि ये कोई किसी के राइट को छीन नहीं सकते, और इसे हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ द एवरग्रीन। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज निहारिका पटेल। निहारिका, ओके निहारिका, व्हाट इज योर टॉपिक? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। What do you understand by the vegetation? Vegetation means plant community, plant of a particular reason. Plants of the particular reasons. जो natural vegetations हैं ये कितने type की होती हैं? पांच type की होती हैं। नाम बताएंगे आप? Tropical evergreen, tropical deciduous, tropical ferns and shrubs, mountain and mangrove. Mangrove. ये जो आपने natural vegetations आपका topic लिया है, क्या ह्यूमन बीइंग्स भी वेजिटेशन को जो है क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वो वेजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट नेचुरल वेजिटेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। वेजिटेशन मतलब जैसे कि वो क्रॉप कर रहे हैं, खेती कर रही है, वेजिटेशन है, बट नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो करती है। ओके, नेचुरल बिना ह्यूमन इंटरफेयर के ग्रो करने वाली जो वेजिटेशन होती है उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आप मुझे ये बात बताइए, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेजिटेशन ऑफ ए एरिया? कि क्लाइमेट, सॉइल, ओके, वाटर एंड सनलाइट। ओके ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक, आप डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट? हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बारिश काफ़ी मात्रा में मतलब होती है, 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, और वो वहाँ पर काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि बैम्बू, अर्जुन, कुसुम, ऐसी वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और एनिमल की बात करें तो एलिफेंट, स्नेक्स वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं, और वो कोस्टल नॉर्थन वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थन वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर जो है आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरेज हाइट क्या होती होगी डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज की? अप टू 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर? हाँ, मीटर। मीटर, ओके। एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो नोन एज हैवी रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में होती है, अप टू 70 मीटर टू 100 मीटर। ओके, और वहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं वो एवरेज हाइट क्या होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में? 60 सेंटीमीटर। अगेन 60 सेंटीमीटर और मीटर? सेंटीमीटर, मीटर, मीटर। ओके, वहाँ पे रोजवुड और रबर ट्री पाए जाते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो कहाँ मिलेंगे मुझे ये, अगर मेरी इच्छा है कि मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट घूमने जाऊँ तो मैं किस पार्ट में जाना चाहिए मुझे? ये वेस्टर्न घाट द ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास मोस्टली जो है फाउंड इसमें होते हैं। ओके, जो थ्रोन्स एंड श्रब्स जो हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में? वो राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं, यहाँ से काफ़ी गर्मी होती है और उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं और उनके रूट काफ़ी फैले हुए होते हैं। रूट्स काफ़ी फैले हुए होते हैं। कैक्टस और पैप्स। कैक्टस एंड पैप्स, ओके ओके, वेरी गुड निहारिका, ठीक है, यू मे गो नाउ। नेक्स्ट, कम, ओके, सीट, व्हाट इज योर नेम? सर, माय नेम इज दीपक झलाया। ओके, दीपक झलाया, ठीक है। दीपक, व्हाट इज योर टॉपिक? सर, माय टॉपिक इज डेमोक्रेटिक राइट। डेमोक्रेटिक राइट्स, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज राइट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। Sanctioned by law. Okay. How many rights there are present in the Indian society? Sir, today there are 6 rights present in Indian society, but in past there are 7 rights present in the society. Okay. अभी जो आपने बोला कि अभी करंटली जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, और जो है मूल संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तो एक कौन सा फंडामेंटल राइट है? सर, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, अभी वर्तमान में ये जो फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये फिर राइट टू प्रॉपर्टी तो आज भी चल रहा है, लोगों के पास प्रॉपर्टी तो है। यस सर, तो ये इसे क्यों हटाया गया फंडामेंटल राइट? सर, राइट्स
हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारे दूसरे के छीन भी नहीं सकते, पर जैसे जो प्रॉपर्टी वो पीढ़ी टू पीढ़ी वाइज जाती है और लोग आजकल बेचते भी हैं। अच्छा, मतलब नॉन ट्रांसफर राइट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू इक्वालिटी? सर, राइट टू इक्वालिटी मींस इक्वल इन आवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेक्स, रिलीजन, कास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू फ्रीडम? सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूव टू फ्रीली इन आवर कंट्री। ओके, फ्रीडम मैं आ जा सकता हूँ, देट मीन अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, स्टेट में, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं गुजरात में अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपना कोई ऑक्यूपेशन या धंधा कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ? यस सर। एक राइट टू फ्रीडम के अंदर है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस सर। क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू सर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसमें ऐसा भी नहीं कि हम किसी को गलत बोले और वो फिर दिया ना उसका मौलिक अधिकार छीन हो जाएगा। तो तो राइट टू स्पीच एक फंडामेंटल राइट है। यस सर। क्या चुप रहना भी एक अधिकार है? नो सर। चुप नहीं रह सकते आप, आपको बोलने का अधिकार है लेकिन चुप रहने का अधिकार नहीं है। बढ़िया। जो है अगर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आप इससे क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस? सर, वी चूज एनी रिलीजियन, हम हमारे कास्ट की रैली निकाल सकते हैं, हम कि हमें कोई भी दबाव नहीं दे सकता, हम किसी भी जात को बदल सकते हैं। रिलीजन का मतलब? सर, रिलीजन यानी आपकी जाति या आपका धर्म? सब धर्म। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, रिलीजन से हैं, तो क्या आप आपका धर्म बदल सकते हैं? यस सर। बदल सकते हैं? यस सर। कोई फोर्सली भी नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आपकी इच्छा से चाहें तो बदल सकते हैं। बढ़िया है। और जो है सिक्स्थ जो राइट जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यस सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द राइट टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? सर, ये इन जो पांच राइट है इनके लिए बना है कि ये कोई किसी के राइट को छीन नहीं सकते, और इसे हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हु, बाय हुम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, आप मुझे बताइए कि राइट टू इक्वालिटी जो है, यस सर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स में? सर, 14-18। ओके, एंड जो रिलीजियस राइट्स हम लोगों को दिए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ, इसके जो आर्टिकल नंबर्स क्या हैं? सर, 25-28। एंड व्हिच आर्टिकल नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? एंड व्हाट इज द आर्टिकल नंबर? सर, 32-35। 32-35। Are you confirm? Yes, sir. Okay, very good. Wish you luck. Deepak Jilla, you may go now. Give me. Next.